सब्सक्राइब कीजिए टेक बार को और ज्वाइन कर लो हमारी टेक गैंग को, हम क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। हेलो, मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं टेक बार। अब Xiaomi ने इतने सारे फोन निकाल दिए कि लोग इतना ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। और आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे ईमेल भी किए, पूछा भी कि भाई मैं कौन सा फोन खरीदूं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना दूं, सबकी हेल्प हो जाएगी। तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको समझ आएगा कि आपको Xiaomi का कौन सा फोन लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चीयर्स। देखो यार, बात ऐसी है, जब से हमारा ओप्पो रियलमी 1 आया है, उसने हमें 9000 में ऐसा पैकेज दे दिया कि अपनी रेडमी 5 सीरीज बिल्कुल बेकार हो गई। बट स्टिल अगर आप Xiaomi खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल सस्ते वाले फोन से स्टार्ट करते हैं, वो है रेडमी 5। अब ये फोन हमें 2-3 वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। सबसे सस्ते वाले की बात करते हैं, वो है 8000 रुपये का। हमें उसमें देखने को मिलता है 2GB रैम और 16GB स्टोरेज, और इसमें हमें देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 450। अब ये वाला फोन आप अपने पेरेंट्स को रिकमेंड कर सकते हो अगर उनका कोई हैवी यूज नहीं है, ज्यादा कैमरा यूज नहीं करते, ज्यादा स्टोरेज का काम नहीं है, फिर प्रोसेसिंग का काम नहीं है, ज्यादा गेम्स वेम्स ऑब्वियसली नहीं खेलते होंगे। अगर आप ये फोन अपने लिए लेना चाहते हो तो शायद आपको पसंद ना आए, क्योंकि स्नैपड्रैगन 450 में आप गेम्स नहीं खेल पाओगे और ऊपर से स्टोरेज कम है, रैम कम है, तो ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस बहुत कम मिलेगी। मैं तो यही कहूंगा कि 8000 में ये लेने से अच्छा है 9000 में आप रियलमी 1 ले लो। अब दूसरा फोन आ जाता है 10000 रुपए में, अपना रेडमी नोट 5। हम इसमें देखने को मिलता है 3GB रैम, 32GB स्टोरेज और स्नैपड्रैगन 625, और सबसे अच्छी बात हमें इसमें देखने को मिल जाती है 4000mAh की बैटरी। अब इस फोन में हमें फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और 4000mAh बैटरी, तो इससे आपका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। आप गेम्स भी खेल सकते हैं, आप कंटेंट भी बहुत सारा देख सकते हैं फुल HD वाला। अगर मैं बात करूं इसके कैमरे के बारे में तो हमें इसमें इतना खास कैमरा नहीं देखने को मिलता, एक सिंगल कैमरा ही है आजकल जो डुअल कैमरे का फैशन है, ना ही इसमें पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता। तो इन शॉर्ट अगर आप सेल्फी या फिर कैमरे का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपको ये फोन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और वहीं पर अगर आप एक Xiaomi का अच्छा बैटरी परफॉर्मेंस और डिस्प्ले वाला फोन ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब इस फोन की एक और खास बात है कि इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, पूरा एल्यूमिनियम का है तो बहुत सॉलिड फीलिंग आती है, तो ये भी एक चीज है जो आप कंसिडर कर सकते हैं फोन खरीदते समय। एक इसकी बिल्ड क्वालिटी Y2 से तो बहुत बेटर है। अब नेक्स्ट फोन हमारा आता है Redmi का Y2। हमें इसमें भी स्नैपड्रैगन 625 देखने को मिलता है, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज, और इसमें कमी ये है कि हमें इसमें HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, फुल HD डिस्प्ले नहीं है। और एक और डिफरेंस ये कि हमें इसमें वर्टिकल डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, जिससे आपको पोर्ट्रेट शॉट्स बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और मैंने चीज अब नोटिस करी है, जब से अपडेट हुआ है फोन, कैमरा बहुत कमाल का है, अच्छी फोटोज आती है, अच्छी सैचुरेशन आती है। तो इन शॉर्ट अगर आपको एक कैमरा फोन चाहिए 10000 रुपए में, जिसकी आपके बहुत अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स मिल जाए, बहुत अच्छी आप फोटोज खींच सके, सेल्फी बहुत अच्छी आती है, तो मेरे हिसाब से Redmi Y2 आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और अगर मैं बात करूं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो अंदर से फोन पूरा प्लास्टिक है, बट ऊपर से जो एल्युमिनियम फिनिश दे रखी है, जो कि बहुत स्मूथ फीलिंग देता है फोन को और हल्का भी बना देता है। फिर क्वेश्चन यार अपना वही आ जाता है कि फोन किसके लिए बना है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट्स लेने का बहुत ज्यादा शौक है, आप कैमरा बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सेल्फी बहुत पसंद करते हैं लेना, तो ये फोन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसकी बैटरी लाइफ भी काफी अच्छी है। Redmi Note 5 और Redmi Y2 में डिफरेंस है डिस्प्ले का और कैमरे का। कैमरे के लिए आपको पिक करना है अपना Redmi Y2 और डिस्प्ले के लिए आपको पिक करना है अपना Note 5। और आपको एक और बात बताता हूँ कि 10000 रुपए के रेंज में Redmi Y2 के अलावा ऐसा कोई भी फोन नहीं है जो इतने अच्छे पोर्ट्रेट शॉट्स देता हो, तो ये चीज आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। अब Redmi Note 5 Pro से पहले बात करते हैं अपने Redmi 6 Pro के बारे में। ये फोन अभी इंडिया में आया तो नहीं है, हो सकता है आ जाए। इस फोन में हमें देखने को मिल जाती है सस्ते में नॉच। इन शॉर्ट इस फोन को कोई बंदा तभी खरीदेगा जब इसको नॉच पसंद हो, क्योंकि नॉच आजकल ट्रेंडिंग पे भी है और एक अच्छा लुक भी देती है फोन को। तो इन शॉर्ट अगर आपको एक नॉच वाला फोन चाहिए, एक अच्छी डिस्प्ले वाला और स्नैपड्रैगन 625, तो आपको पता है कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देता ही है, तो शायद आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरी बहुत ध्यान से बातें सुनी है तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको Redmi Note 5 लेना है अच्छी डिस्प्ले और बैटरी के लिए, Redmi Y2 लेना है आपको अच्छे कैमरे के लिए, और Redmi का 6 Pro लेना आपको सिर्फ नॉच के लिए। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने Redmi Note 5 Pro के बारे में। हमें देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 636, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, और सबसे अच्छी बात यह कि एक फुल पैकेज वाला फोन है। इसमें हमें अच्छी डिस्प्ले भी देखने मिल जाती है, बैटरी भी बहुत अच्छी है, कैमरा बहुत कमाल का है, हर एक चीज आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगी, तो मैं इसको फुल पैकेज बुलाता हूं। अगर आपका बजट है 15000 रुपए का तो आप इस फोन को आंख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक का बेस्ट फोन है, इसमें हर एक चीज देखने को मिल जाती है, मैं इसको फुल पैकेज बुलाता हूं। साथ के साथ यार आपको मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, मे बी 10000 से 15 भी कर सकते हैं, फिर 12 से 15 कर सकते हैं, तो प्लीज अपना Redmi Note 5 Pro ही लेना, क्योंकि सच में काफी कमाल का फोन है। अब ये वाली लिस्ट हमारी खत्म हो जाती है। अब आपको समझना है कि यार आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एक अच्छी डिस्प्ले चाहिए, आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए, बैटरी चाहिए। होपफुली आपको मैंने हेल्प कर दी हो। मैं ये चीज भी समझता हूं कि आप में से काफी सारे लोगों की ब्रांड प्रेफरेंस भी होती है, हो सकता है कि आप Redmi 1 कभी खरीदो ना जब तक आपको Xiaomi दिखे, तो ये चीज मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। तो होप यार आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो, अगर हुई है तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके हमारे टेक गैंग को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।